हेलो। कंटिन्यू करते हैं पर टॉपिक छोटा सा टॉपिक रह गया है। क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, कंप्लीट करते हैं इसे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल मैटर्स। पंचायती राज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द रिमोट विलेजेस टू प्रमोट द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या कह रहा है? एक पंचायती राज नाम का एक सिस्टम है, एक पंचायती राज नाम का एक सिस्टम है जो कि एक बनाया गया, जो कि सिस्टम बनाया गया कहाँ पर? इन द रिमोटेस्ट विलेजेस, जो गांव दूर दूर होते थे वहाँ पर। किस लिए? टू प्रमोट द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को प्रमोट करने के लिए। इन व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव फ्री लीगल एड हैज बीन प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु देमसेल्व्स कैन नॉट एंगेज लॉयर्स। दिस हैज बीन डन टू एंश्योर इक्वल इक्वल जस्टिस टू ऑल। वो क्या कह रहे हैं? इन व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव, हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है उनको जो जो खुद अपने लिए लॉयर एंगेज नहीं कर सकते, यानी जो लोग अपने लिए केस लड़ना है लोगों को लेकिन वो अगर अपने लिए लॉयर एंगेज नहीं कर सकते हैं तो उनको फ्री में लॉयर भी प्रोवाइड किया कराए जाते हैं। ऐसा क्यों किया गया? दिस हैज बीन डन टू एंश्योर इक्वल जस्टिस फॉर। ऐसा इसलिए किया गया कि सभी को इक्वल जस्टिस मिल सके। इन ऑर्डर टू चेक द मिस यूज ऑफ पावर, इन ऑर्डर टू चेक द मिस यूज ऑफ पावर, देर इज नाउ अ कम्प्लीट सेपरेशन, देर इज नाउ अ कम्प्लीट सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। वो क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू चेक द मिस यूज ऑफ पावर, तो अगर आपको चेक करना है कि अब लोग अपनी पावर का मिस यूज करें नहीं करें, तो क्या देर इज नाउ कम्प्लीट सेपरेशन। एक कम्प्लीट सेपरेशन किया गया किसका? अब जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी वो कह रहे हैं कि लोग अपने पावर का मिस यूज ना करें, लोग अपने पावर का मिस यूज ना कर पाए। इसलिए ना हमने एक काम के लिए, हमने सारे कामों के लिए एक इंसान ही रखा, सारे कामों के लिए हमने अलग अलग इंसान रखे हैं। जुडिशरी से लेकर एग्जीक्यूटिव, यानी हर तरह के लोगों को हमने क्या कर रखा है? सेपरेट कर रखा है। हर तरह के काम के लोगों को हमने क्या कर रखा है? सेपरेट कर रखा है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पढ़ने लग क्या है? इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंडिया इज अपोज टू कॉलोनियलिज्म एलिसलिज्म एंड हैज हेल्प मैनी कंट्रीज टू विन देयर फ्रीडम एंड इज सपोर्टेड द कॉज ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अपार्टहाइड। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखूँ, अपोज का मीनिंग क्या होता है? अपोज मतलब होता है विरोध करना, अगेंस्ट जाना किसी के अगेंस्ट, है ना? अगेंस्ट। कॉलोनियलिज्म मतलब होता है आप कहीं पर जा रहे हो और वहां पर अपना घर बसा रहे हो, ठीक है? यानी आप दूसरों की जगह पर अपना डेरा जमा रहे हो, ठीक है? रेसलिज्म आपको पता ही है, कास्ट के बेस पर डिफरेंस करना। तो इंडिया इन चीज़ों के हमेशा अगेंस्ट रहा है, हेल्प मैनी कंट्रीज टू विन देयर फ्रीडम, और हमेशा बहुत सारी कंट्रियों की क्या किया है इसमें, हेल्प की है उनको उनकी फ्रीडम जीतने के लिए, ठीक है? इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ साउथ अफ्रीका, इंडिया ने साउथ अफ्रीका की भी हेल्प की है अगेंस्ट अपार्टहाइड, अगेंस्ट अपार्टहाइड। अपार्टहाइड का मीनिंग होता है आपका, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कह सकता हूँ मैं, ये रेसिज्म को ही बोलते हैं अपार्टहाइड, मतलब क्या था? रेसिज्म, उनके कलर बोल सकते हो ना। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को प्रमोट हेल्प किया है, प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है कि लोग उनके रंग के बेस पर, कलर के बेस पर क्या करें, वो क्या ना करें, इंडिया से वो डिस्क्रिमिनेशन ना करें। इंडिया इज लॉ अबाइडिंग, अबाइडिंग मतलब फॉलो करना, तो वो कह रहे हैं इंडिया एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, यहाँ पे लोग लॉ का फॉलो करते हैं।
इट रेस्पेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ, इट रेस्पेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ की भी रेस्पेक्ट करता है। इट हैज इश्यूड फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल सेटलमेंट, काफ़ी सारे इंटरनेशनल इश्यूज हुए हैं, उनका भी इसने बहुत अच्छे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेटलमेंट कर लिया है। किसने? इंडिया ने। इंडिया होल्ड्स द पॉलिसी ऑफ कंप्लीट डिसआर्ममेंट एंड हैज बीन फर्मली अगेंस्ट ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ सम पावरफुल कंट्रीज फॉर पार्शियल डिसआर्ममेंट। लिखो ये वर्ड। डिसआर्ममेंट, तो आप ज़रा समझो वर्ड का मीनिंग, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। आम मतलब पता है? हथियार। आर्म्स हाथ वाले आर्म्स नहीं है, आर्म्स मतलब हथियार। तो कह रहे हैं हथियार और लगा हुआ डिस, डिस हथियार ना होना, हथियार ना होना, तो इसका मतलब क्या होता है? हथियारों का ना होना, सिंपल से इसका मीनिंग क्या होता है? हथियारों का ना होना, वेपन्स का ना होना, वेपन्स फ्री, वेपन्स फ्री। तो कह रहा है इंडिया होल्ड्स पॉलिसी ऑफ कंप्लीट वेपन्स फ्री, यानी इंडिया की जो पॉलिसी वो क्या है कि वो हथियारों के बिना बात करती है सबसे पहले। ये नहीं कि कुछ भी हुआ सीधे हथियार उठा लिए, ठीक है, पहले बातों से बात होती है। इट हैज़ बीन फर्मली अगेंस्ट ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ सम पावरफुल कंट्रीज फॉर पार्शियल डिसआर्ममेंट। और ये हमेशा अगेंस्ट रही है, हमेशा क्या रही है? अगेंस्ट रही है उन लोगों के जो हमेशा अटेम्प्ट करते हैं, जो ट्राई करते हैं। कौन ट्राई करते हैं? पावरफुल कंट्रीज उनसे ट्राई करते हैं किस चीज़ के डिसआर्ममेंट, यानी वो हमेशा क्या करते हैं कि वो हथियार उठाने के लिए रेडी रहते हैं। जब भी कोई बात होती है तो वेपन से बात करते हैं। तो हमारे इंडिया हमेशा ऐसी कंट्रियों के कहते हैं अगेंस्ट रहा है, ये कुछ बात हुई है, ठीक है। अब हमारे जो मेन चीज़ रहेगी वो यहाँ पर ही रहेगी पॉलिसीज। इन पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा लिखना है ना, तो चलो लिखते हैं। फोर्थ और ये फिफ्थ वाला मैं यहीं पर लिख रहा हूँ इसके आगे। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे भी नहीं लिखवा रहा, ठीक है, मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रख रहा हूँ। ये ना एक रफ पेपर पे, एक पेपर पे नोट करके देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं एक पेपर पर नोट करके आपको ये सेंड करता हूँ, ठीक है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे ये लिख कर आपको सेंड करना है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।